फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मार्केट जैसा खमन ढोकला। ढोकला आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ऐसे स्नैक्स टाइम में भी उन्हें बनाकर दे सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप मार्केट जैसा स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट ढोकला घर पर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। आप किसी भी तरह का बेसन यूज कर सकते हैं, मोटा वाला बेसन भी यूज कर सकते हैं और बारीक वाला बेसन भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सूजी। सूजी से हमारा जो ढोकला है वो काफी स्पॉन्जी बनता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। यहाँ पर मैंने ताजी दही यूज करी है, आप भी कोशिश करिए ताजी दही का ही यूज करें और ये घर की दही है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे और इसमें कोई भी लम्ब नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और विस्क की हेल्प से मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। विस्क से क्या होता है, इसमें लम्ब्स नहीं रहते बिल्कुल भी और जल्दी से स्मूथ बैटर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास हैंड विस्कर ना हो तो आप फोक से भी इस बैटर को बना सकते हैं। तो बैटर हमारा स्मूथ हो गया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है, इसमें कोई लम्ब्स नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून शुगर। आप यहाँ पर शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून नमक की डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे ढोकले का कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें कलर ना डाल के हल्दी का ही यूज करिएगा। अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटा हुआ नींबू, इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और हमारा स्मूथ सा बैटर एकदम तैयार है। तो अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और बीच में एक स्टैंड रख दिया है जिससे जिस भी बर्तन में हम ढोकला बनाएंगे उसे थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी। आप इस स्टैंड की जगह पर कोई भी कटोरी या किसी और स्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस पानी को मैंने बॉइल होने के लिए रख दिया है। अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं और इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। तो 1 पाउच जो छोटा वाला आता है इनो का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने लेमन फ्लेवर का इनो यूज किया है, आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं। और इनो फ्रूट सॉल्ट अगर आपके पास ना हो तो आप 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। तो अब आपको बैटर को ज्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि बैटर एकदम से फूलने लगता है, तो आपको तुरंत मोल्ड में इसे ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है, इसमें मैं ढोकला बना रही हूँ। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसे मैं ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी और अब हम अपना ढोकले का मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसे हल्का सा टैप करेंगे और अब हमने जो पैन रखा था गैस पर उसका पानी भी बॉईल होने लगा है। इसमें हम सावधानी से जो हमने ढोकले का बैटर तैयार किया है उस टिन को रख देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको 20 मिनट तक मीडियम गैस पर कुक होने देंगे। बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं और 20 मिनट बाद भी अगर ये ना पका हो तो 5 मिनट आप इसे और कुक कर सकते हैं। तो जितनी देर में हमारा ढोकला तैयार हो रहा है उतनी देर में हम इसका तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया है, तो गैस ऑन कर देंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसे गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे राई के दाने। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून राई के दाने डाले हैं, इनको क्रैकल होने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 6-7 हरी मिर्च जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है।
और मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 कड़ी पत्ते। इसे एक बार चला देंगे और 2 मिनट तक मीडियम गैस पर ही इसे पका लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी और चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर देंगे और अब इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी डिजॉल्व होने तक इसे पकने देंगे और इसमें थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तो 1/2 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी एक बार मिक्स कर देंगे। अब देखिए हमारा जो तड़का है वो अच्छे से बॉईल होने लगा है। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे और हमारा तड़का एकदम तैयार है। तो अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। तो 20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो मैं एक टूथपिक से इसे चेक कर रही हूँ। तो ये अभी हल्का हल्का चिपक रहा है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे तो अभी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब हमारा ढोकला बनकर तैयार है। तो गैस को बंद कर देंगे और ढोकले को हम 5 मिनट तक स्टीम में रहने देंगे। उसके बाद बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने ढोकले को बाहर निकाल लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। ध्यान रखिएगा ढोकले को हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसे डीमोल्ड करिएगा, नहीं तो जो आपका ढोकला है वो टूट भी सकता है। तो अब नाइफ की हेल्प से साइड से इसे स्क्रैच कर लेंगे थोड़ा सा। और मैं इसे एक प्लेट पर उल्टा करके निकाल रही हूँ। हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला एकदम बनकर तैयार है। ये ढोकला एकदम मार्केट जैसा स्पॉन्जी बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे। तो साइड से मैं इसके पीसेस हटा दे रही हूँ जिससे हमारी जो परफेक्ट शेप है वो आ सके। आप किसी भी शेप में ढोकले को काट कर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो अब हम इस पर तड़का डालेंगे जो हमने बनाकर रखा था। तो चम्मच की हेल्प से सभी पीसेस पे अच्छे से तड़का डाल देंगे और जो तड़के का पानी है वो भी सभी पीसेस पे अच्छे से डालेंगे जिससे अंदर तक पानी ढोकले के अंदर चला जाए और उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे आपको मार्केट में एकदम सॉफ्ट ढोकला खाने को मिलता है और उसमें काफी मॉइस्चर होता है, इसी तरीके से ये ढोकला तैयार होगा। इस तड़के को डालने के बाद आप इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। 10 मिनट बाद इसे सर्व करने से इसके अंदर पूरी तरीके से मॉइस्चर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। 10 मिनट बाद हम इसे इस तरीके से ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप ऊपर से इसमें हरा धनिया डालकर गार्निश कर सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें ऊपर से आप थोड़ा सा फ्रेश नारियल को घिसकर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी घर पर इसी तरीके से मार्केट जैसा एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बना सकते हैं और मेहमानों को और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।